यूटिल कंपनी वैसे तो बहुत ही जानी मानी कंपनी है और यूटिल कंपनी के आपको सोलर प्रोडक्ट के अलावा भी कई प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करते हैं सोलर प्रोडक्ट की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिसको यूटिल कंपनी का 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसको कितना खर्चा करना पड़ सकता है और यूटिल के अंदर कौन कौन से इन्वर्टर हैं जिनका उपयोग करके आप 1 किलोवाट का सिस्टम तैयार कर सकते हैं, कौन सा इन्वर्टर सबसे बेस्ट रहता है 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसको जरूर होती है 1 किलोवाट के सिस्टम की। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक तो उसको जिसको 1 किलोवाट का लोड चलाना पड़ता है, दूसरा उसको जिसकी डेली की पावर कंजप्शन लगभग 4 से 5 यूनिट है, क्योंकि 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल होता है वो एक दिन के अंदर 4 से 5 यूनिट बिजली बना देता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप चेक करें कि आपको डेली की कितनी यूनिट कंजप्शन की जरूरत है, उसी हिसाब से आप सोलर सिस्टम का चुनाव करें। यहाँ पर लोड को ध्यान में रखते हुए हमें सोलर सिस्टम का चुनाव नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा डेली की जो पावर कंजप्शन है उसको देखते हुए सोलर सिस्टम का चुनाव करना चाहिए। लोड को देखते हुए तो हमें सोलर इन्वर्टर चुनाव करना चाहिए कि आपको कितना लोड चलाना पड़ता है। तो इसी बात पे सबसे पहले बात करते हैं हम सोलर इन्वर्टर की ही कि कौन सा इन्वर्टर आप 1 किलोवाट के सिस्टम के लिए ले सकते हैं। तो यहां पर मेरी रिकमेंडेशन ज्यादातर यही रहती है कि अभी आप जो इन्वर्टर ले रहे हैं वो ऐसा लें कि इन फ्यूचर उसे आप अपग्रेड कर सकें 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए, क्योंकि ऐसे में आपको इन्वर्टर बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको सोलर पैनल ही बढ़ाने पड़ते हैं जिससे कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो अपग्रेड होता रहता है। तो ऐसे में वैसे तो यूटिल कंपनी का 1 KVA का यूटिल गामा प्लस मॉडल आता है और बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, जिसके ऊपर एक बैटरी लगाकर भी आप 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम उनके लिए है जिनको 500 वाट का लोड चलाना है और 1 किलोवाट के पैनल लगाने हैं, क्योंकि जो उस इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी है वो लगभग 500-600 वाट है। तो आप इतना लोड चलाकर और 1 किलोवाट के पैनल लगाकर अपना काम चला सकते हैं और वो इन्वर्टर आपको मिलता है लगभग 10,000 रुपए में। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप 10,000 रुपए के अंदर ही ज्यादा लोड कैपेसिटी की तरफ जाना चाहते हैं, देन आपको जाना पड़ता है इनकी यूटिल हेलियक PWM इन्वर्टर की सीरीज की तरफ, जहां पर आपको यूटिल हेलियक 2000 मॉडल मिल जाएगा जिसकी लोड कैपेसिटी तो 1500 VA है, लेकिन जो पैनल कैपेसिटी है वो लगभग 1200 वोट है। तो ऐसे में आप 1 किलोवाट से ज्यादा लोड भी चला सकते हैं और पैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो डबल बैटरी का इन्वर्टर है, देन आपको उसके ऊपर 2 बैटरियां लगानी पड़ती है। तो अगर आपको अधिक बैटरी बैकअप की आवश्यकता है तभी आप उस सोलर इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक बैटरी के साथ में जाना है, देन आपको यूटिल गामा प्लस मॉडल ही लेना पड़ेगा। मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो यहां पर मैं सजेस्ट करता हूं यूटिल गामा 3350 मॉडल, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और लगभग 17 से 18 हजार रुपए में ये आपको मिल जाता है। ऑनलाइन ये 21 से 22 हजार रुपए में मिलता है, लेकिन लोकल मार्केट की प्राइस की बात करें तो 17-18 हजार रुपए में ये आपको मिल जाता है। डबल बैटरी का इन्वर्टर है, 3 KVA तक का लोड चला सकते हैं। जिसको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए ये इन्वर्टर होता है। तो जिसको इन फ्यूचर अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा उसके लिए ये इन्वर्टर बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आप सिर्फ इन्वर्टर खरीद लीजिए, बाद में सिंपली 1 किलोवाट के बजाय इसके ऊपर आप 2160 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं और इसके अंदर आपको 106 वोल्ट की VOC रेंज मिलती है, जिसके कारण आप बाईफेसियल सोलर पैनल लगा सकते हैं और यहां पर आप सिर्फ 2 पैनल लगाकर अपना 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा इनमें से चूज करते हैं। तो यहां पर हम अभी के लिए जिसका बजट कम है उसको मान के चलते हैं कि अभी आपने यूटिल गामा प्लस 1 KVA का मॉडल ही सिलेक्ट किया है और आपको एक बैटरी से ही काम चलाना है। तो ऐसे में आपका इन्वर्टर का खर्चा हो जाता है लगभग 10,000 रुपए और सोलर पैनल की बात करें तो लगभग 28 से 30 रुपए प्रति वोट में आपको सोलर पैनल मिल जाते हैं 1 किलोवाट के, यानी कि 30,000 रुपए में आप 1 किलोवाट के पैनल भी ले सकते हैं। इसके अलावा बैटरी का आपका खर्चा आता है, अगर आपने सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लिया है देन आपका 15,000 रुपए खर्चा आएगा, डबल बैटरी का इन्वर्टर लिया है तो आपका 30,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा भी आपका स्टैंड और वायरिंग का भी खर्चा आता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा स्ट्रक्चर लेते हैं, कितनी ज्यादा वायर लगती है या इसके अलावा आप क्या क्या डिवाइस का यूज करते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर हम माने तो कम से कम 5,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा खर्चा तो वहां पर आ जाएगा। तो ऐसे में सिंगल बैटरी का जो सिस्टम आपको पड़ने वाला है वो 55 से 60 हजार रुपए के बीच में पड़ने वाला है और वहीं पर अगर आप जाते हैं डबल बैटरी के हेलियक सीरीज के इन्वर्टर की तरफ, यहाँ पर जो 15,000 रुपए आपका बैटरी का खर्चा है वो ऐड कर दीजिए, यानी कि लगभग 80,000 रुपए में आप डबल बैटरी का सिस्टम ले सकते हैं, लगभग 60,000 रुपए में सिंगल बैटरी का सिस्टम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 80,000 रुपए का है तो मैं वहां पर आपको सजेस्ट करूंगा यूटिल हेलियक 3350 मॉडल, जो कि 17-18 हजार रुपए का आता है, जो बाकी का आपका सारा खर्चा रहता है पैनल का, बैटरी का, स्टैंड वायरिंग का, वो सभी सेम रहता है, सिर्फ इन्वर्टर के लिए 5 से 7 हजार रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो फ्यूचर प्रूफ हो जाता है और फ्यूचर में आप उसे 2 किलोवाट तक का भी सिस्टम बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि यूटिल कंपनी का 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करने के लिए कितना खर्चा आएगा। अगर इससे बड़े सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, ऐसे ही 5 किलोवाट सिस्टम के प्राइस के बारे में बताया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।